भारत निर्वाचन आयोग ने किया तारीखों का ऐलान, पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में पीएम की चुनावी रैली, पीएम ने कहा आयुष्मान योजना के तहत लोगों को मिलेगा लाभ। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल की राजनीतिक पारी की शुरुआत, भाजपा में हुई शामिल अनुराधा पौडवाल। हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत बाइक रैली, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को राहत, अदालत ने 15,000 के निजी मुचलके पर दी जमानत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में, मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगर कुर्नूल पहुंचे, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ तेलंगाना के लोगों तक पहुंचा है, इसके लिए हमने काम किया है। तेलंगाना के गरीबों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं। तेलंगाना के 1,50,000 से ज्यादा लोगों का बीमा किया गया है। छोटे 67 लाख से ज्यादा उद्यमियों को मुद्रा लोन का लाभ मिला है। वहीं तेलंगाना के 80 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ दिया गया है। हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ तेलंगाना के जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमने दिन रात काम किया है। हमने तेलंगाना के गरीबों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं। ये मैं पूरे देश की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं हमारे तेलंगाना की बात बता रहा हूं। तेलंगाना के 1,50,000 से ज्यादा लोगों का बीमा किया गया है, और वो भी सिर्फ 20 रुपये सालाना के प्रीमियम पर, यानी एक चाय की कीमत। लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही आज से देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जहां देश में पहले चरण के लिए अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत देश की 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे और 4 जून को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। So now we'll be announcing schedule in 3 phases. First for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country jahan by-poll hona abhi hai due. Bihar, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Maharashtra, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Telangana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu. इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं, ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा। But all the 26 assembly constituencies will go to the by-poll, so that during this election itself we can complete this entire process. लोकसभा चुनाव से पहले मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं, जहां दिल्ली में पार्टी के सीनियर लीडरों की मौजूदगी के बीच उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उस पार्टी में शामिल हो रही हूं जिसका सनातन धर्म से गहरा नाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भाजपा में शामिल हुई हूँ। बता दें कि अनुराधा पौडवाल संगीत की दुनिया का जाना माना नाम है। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है, और जिसे मैं खुद 35 साल से, मैंने फिल्म इंडस्ट्री को, मतलब उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार मेरे मन में ऐसे होता था कि जो मैंने किया सही किया नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने देखा कि जिस वक्त
जैसे भाई साहब ने कहा कि सुबह शाम 35 साल से गंगा जी की कृपा से वहाँ आरती चलती रहती है, और एक मेरुमणि जिसे कह सकते हैं, वो जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहाँ 5 मिनट गाने का मौका मिला, जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन की अनदेखी मामले में थोड़ी राहत मिली है, जहां दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में लगातार 8 बार ईडी के समन की केजरीवाल अनदेखी कर चुके हैं। इसके खिलाफ एजेंसी ने अदालत में 2 याचिकाएं दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने केजरीवाल को इन दोनों मामलों में जमानत दे दी है, यानी कि अब उन्हें नियमित पेशी के लिए नहीं आना पड़ेगा। लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में चलेगा, जहाँ केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अपना पक्ष रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नंदौन विधानसभा क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने के लिए है, हमारे समाज और राष्ट्र को बचाने के लिए है, ये उन्हें राष्ट्र निर्माण में संलग्न करने के लिए है। नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान ये प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने के लिए है, नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने के लिए है, नशों से दूर रहने के लिए है, ताकि समाज देश सबको हम बचा सकें, अपनी युवा पीढ़ी को खोखला होने से बचा सकें और उनको राष्ट्र निर्माण में लगा सकें। जब ये जाएंगे अपने अपने गांव में, तब इस अभियान के बारे में बताएंगे, अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डालेंगे। देश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।